हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी सॉल्यूशन में आपका एक और बार फिर से वेलकम है गाइस। तो ठीक है गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं, थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे, आज हम लोग बात करने वाले हैं मिनोक्सिडिल के बारे में। जी हाँ, मिनोक्सिडिल के बारे में, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है वो सभी चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ गाइस, स्किप करके वीडियो मत देखिए, आधी इन्फॉर्मेशन मत लीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, ठीक है। यानी पूरा वीडियो लाइन मतलब स्टेप बाय स्टेप देखिए तो ही आपको समझ में आएगा, ओके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको जो है वीडियो पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक करें गाइस। तो गाइस, मिनोक्सिडिल एक बहुत ही पॉपुलर लिक्विड मेडिसिन है, और ये मिनोक्सिडिल बाल उगाने के बहुत ज़्यादा काम आता है, यानी बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो गाइस, मिनोक्सिडिल एक ऐसी दवाई है जो खून के नसों को खोल देती है, जिससे स्किन में खून का बहाव बढ़ जाता है। और गाइस, आपको ये पता है कि ये दवाई ओरिजिनली हाई ब्लड प्रेशर के लिए बनी थी। गाइस, जब ये मेडिसिन हमारे स्किन में एब्जॉर्ब होती है तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मिनोक्सिडिल का यूज़ गाइस हर तरह के गंजेपन या एलोपेशिया के लिए यूज़ किया जाता है, और ये दवाई यूनिसेक्स है गाइस, यानी पुरुष और महिला दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। और ये दवाई अल्कोहल बेस है गाइस, इसलिए इसका साइड इफ़ेक्ट्स भी है, जैसे कि कई लोगों को ईचिंग होने लगती है दवाई लगाने के बाद, और बाल सूख जाते हैं। लेकिन आजकल मार्केट में फोम के रूप में भी मिनोक्सिडिल अवेलेबल है गाइस, और जो फोम वाला मिनोक्सिडिल है वो यूज़ करने से बालों में आपको खुजली नहीं होगी, यानी उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो नहीं होगा। और मिनोक्सिडिल की जो दवाई है गाइस वो लोशन और टैबलेट दोनों के रूप में आती है, लेकिन इसका ज़्यादा यूसेज जो है वो लोशन के रूप में ही होता है। ज़्यादा करके जो मतलब लोग यूज़ करते हैं वो लोशन ही यूज़ करते हैं। जब भी आप मिनोक्सिडिल यूज़ करें तो कम से कम 6 महीने तक आप इसे रेगुलरली यूज़ करें, क्योंकि गाइस पहले 1-2 महीने तक बाल आपके गिरने लगेंगे, यानी ज़्यादा गिरने लगेंगे, और उसके बाद बाल गिरना जो है वो बंद होते हैं, और 6 महीने तक नए बाल आना शुरू हो जाता है गाइस, यानी न्यू ग्रोथ शुरू हो जाती है। इसलिए गाइस कई लोग जो है वो 1-2 महीने में ही लगा जो यूज़ करते हैं मिनोक्सिडिल, और जब ज़्यादा उनका हेयर फॉल होने लगता है तो वो घबरा के बंद कर देते हैं। तो आपको ये नहीं करना चाहिए गाइस, 6 महीने बाद यानी 6 महीने बाद ही इसका पूरा आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा गाइस। और गाइस, कई लोगों को इसका प्रॉफिट हुआ है, यानी फ़ायदा हुआ है यूज़ करने से। ऑलमोस्ट 52% लोगों का फ़ायदा हुआ है, मतलब रीग्रोथ हुआ है बाल। और गाइस, आप इसे 1 साल यूज़ करोगे तो आपको इसका जो है 100% आपको फ़ायदा होगा। और बहुत से लोग इसे कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं 10 से 15 साल तक, और उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मतलब वो पहले एक पूरे आधे से ज़्यादा गंजे हो गए थे, लेकिन उनके बाल अभी बहुत ही अच्छे हो गए, और इस चीज़ का उन्हें कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होता है। अभी हम लोग गाइस बात करेंगे मिनोक्सिडिल के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लोशन को हमारा जो स्काल्प है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, हमारी स्किन जो इसे सोख लेती है। और इसको लगाने से गाइस थोड़ी हल्की सी इचिंग होती है, तो घबराइए मत, ठीक है। और स्किन जो है वो थोड़ी लाल भी पड़ जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद वो अपने आप नॉर्मल हो जाती है गाइस। अगर आपकी इचिंग और रेडनेस जो है वो कम नहीं हो रही है तो प्लीज़ आप डॉक्टर को सजेस्ट करें। किसी को इस दवाई से गाइस अगर चक्कर आने लगे, या हार्ट बीट फास्ट हो जाए, या चेस्ट पेन हो, या बेहोशी आने लगे आपको, हाथ पैरों में स्वेलिंग आने लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको थकावट होने लगे, और सांस लेने में तकलीफ़ होने लगे, तो गाइस एकदम दवाई जो है बंद करके डॉक्टर को आप दिखाएं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस, ये जो दवाई है, मेडिसिन है, ये हमारी स्किन जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, और ये ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, तो यही सब कारण है ये सब साइड इफ़ेक्ट्स होने के गाइस। अगर गाइस आपको कोई बड़ी बीमारी हो, जैसे कि सोराइसिस, एक्जिमा, हार्ट प्रॉब्लम हो, या किडनी या लीवर प्रॉब्लम हो, तो ये दवाई को आप यूज़ ना करें गाइस। और एक लास्ट बात गाइस, कि प्रेगनेंसी में ये दवाई का आप यूज़ ना करें, यानी मिनोक्सिडिल का आप यूज़ ना करें, ओके। तो गाइस, उम्मीद है मैंने आपको पूरी से पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें गाइस, और घर पे सेफ रहे। थैंक यू सो मच गाइस।